हिमाचल प्रदेश में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि शिमला के सर्द और सुहावने मौसम में भी गृहिणियों के पसीने छूटने लगे हैं। रोजाना जरूरत की चीजों और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जियों फलों की कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बरसात का माना जा रहा है। भारी बारिश होने की वजह से मौसमी सब्जियां खेतों में ही खराब हो गई और लैंडस्लाइड होने के कारण तैयार माल समय रहते सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पाया। मंडी में आई फसलों को स्टोर में रखने का कोई साधन ना होने की वजह से सब्जियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पा रही और इस कारण सब्जियों के दामों में कटौती होने के बजाय बढ़ोतरी हुई है। सब्जी मंडी शिमला में टमाटर 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है और मटर 150 रुपए प्रति किलो। फलों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले फल जैसे अमरूद पपीता के दाम बढ़ गए हैं। बता दें कि अमरूद 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है जो कि राजस्थान से आया है। वहीं पपीता कर्नाटक से आ रहा है और 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जी मंडी के प्रधान का कहना है कि इस बरसाती सीजन स्टॉक कम आने की वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि महंगाई का असर खरीदार और दुकानदार दोनों पर पड़ रहा है और इस बार महंगाई की वजह से काम बिल्कुल मंदा है। N1 Live की स्पेशल रिपोर्ट।